दोस्तों ये जो थंबनेल है वो आप देखकर तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा अभी। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल से कैसे पीसी में और लैपटॉप में और पीसी से कैसे मोबाइल में ट्रांसफ़र करें, कुछ भी फाइल जितना ही बड़ा हो लार्जेस्ट फाइल कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसी के टॉपिक में ये वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल में, पीसी में कोई एप्लीकेशन नहीं लगेगा, मोबाइल में आप इनशेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर है कनेक्ट टू पीसी, कुछ भी होगा कनेक्ट टू पीसी, इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसका हॉटस्पॉट ऊपर है उसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप हॉटस्पॉट का जो मोबाइल कंप्यूटर का जो वाईफाई ऑन करते हैं तो वहाँ पर नीचे दिखाई देगा इसका हॉटस्पॉट नाम। उसके बाद उसको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मिलेगा, वो भी नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, आपका पीसी या लैपटॉप में जाना है, उसके बाद वाईफाई ऑन करना है। ऊपर में फर्स्ट जो देखिए लिंक मिल चुका है उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। अब आप पासवर्ड क्या देंगे, पासवर्ड वही देंगे जो यहाँ पर है, स्क्रीन में दिखाई देगा। ये पासवर्ड आप दे दिए, उसके बाद ये नेक्स्ट कीजिएगा और इसको यस कर दीजिएगा। ये हो गया कनेक्ट मोबाइल से हॉटस्पॉट से और पीसी का कनेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद पीसी का आपका क्रोम ब्राउज़र होगा उसमें जाना है, उसमें जाना है। हाँ ठीक है, ये सॉरी तो ये खुलते हैं, चलिए ये गूगल क्रोम खुल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें दिया हुआ है एक HTTP एड्रेस और सर्च, ये आपका पीसी का सर्च बार में आप लिख लीजिएगा। ये पूरा जितना नंबर है जैसा भी है वैसा ही लिखिएगा। इसको लिखने के बाद इसको लिख रहे हैं, लिखने के बाद जैसे इंटर कीजिए और ऐसे इंटरफेस खुलेगा और मोबाइल मूवी इंटरफेस लुकिंग कुछ ऐसा मिलेगा। दोस्तों ये मोबाइल से पीसी का मोबाइल से पीसी का कनेक्ट हो चुका है। आप बड़ी आसानी से आप मोबाइल में फाइल सिलेक्ट कीजिए, सेंड कीजिए और वो आपका पीसी में आ जाएगा विदाउट एनी डाटा केबल और इंटरनेट की मदद से। कुछ भी नहीं लगेगा, ना इंटरनेट लगेगा ना डाटा केबल। देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पर सेंड हो रहा है, मतलब मोबाइल से जा रहा है पीसी में। अब आप अगर पीसी से मोबाइल में अगर लेना चाहिए तो बहुत आसानी से ऐसे ही तरीके से सेंड बटन दबाइएगा पीसी में और मोबाइल में रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों यही था एक वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब अभी करिए। धन्यवाद।